नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस देश की युवा वर्ग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस देश के बुजुर्गों का ख्याल रखना, चाहे वो परिवार में हो, सरकार में हो या इस देश के पेंशनर्स हों। सरकार को चाहिए कि इस देश के पेंशनर्स के लिए ऐसी सुविधाएं क्रिएट करे ताकि यदि उनके पेंशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो उन्हें अलग अलग सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े, पत्राचार नहीं करने पड़े, ईमेल इत्यादि नहीं भेजने पड़े, जो वैसे भी उस उम्र में करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही एक समस्या का सामना किया मेरे ग्रैंडफादर ने और रिसेंटली उस समस्या से हम जूझे हैं और उसे सॉल्व करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है, ऑनलाइन है और इस देश के सभी पेंशनर्स को इसके बारे में ख्याल होना चाहिए। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कलीग, आपके पेरेंट्स या आपके सीनियर्स कोई भी पेंशन से रिलेटेड किसी इश्यू से जूझ रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ बताऊंगा कि मेरे ग्रैंडफादर की पेंशन के साथ क्या इश्यू हुआ था और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से उस इश्यू को हमने सॉल्व करने की ऑनलाइन प्रयास किया और जिसमें हमें सफलता भी मिली। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे ग्रैंडफादर श्री इंदरमल जी जैन, जिनकी उम्र अब 80 से अधिक है, उन्होंने 3 से अधिक दशकों तक इंडियन रेलवेज के साथ काम किया। उनकी इंडियन रेलवेज की ओर से पेंशन आती रहती है और जैसा कि आप वाकिफ हैं, पेंशन में इंक्रीमेंट होता रहता है 5th, 6th, 7th जो पे कमीशन है उनके अनुसार, लेकिन उनकी पेंशन में जो फाइनल इंक्रीमेंट था वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। उन्हें ना वो पेंशन अलॉट हुई ना उसका एरियर मिला। ऐसे में हमने अलग अलग सरकारी दफ्तरों में लेटर्स भेजे, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वहां पर बात करी और अपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन बात वही हुई, ढाक के 3 पात, उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन, करेक्ट आंसर हमें नहीं मिला। ऐसे में उनके एक मित्र जो भी उनके हम उम्र है, उन्होंने भी सिमिलर डिफिकल्टी फेस करी थी। उन मित्र ने मेरे ग्रैंडफादर को पेंशनर्स ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि एक ऑनलाइन सर्विस सरकार ने चला रखी है जिसमें अपनी प्रॉब्लम डालने के बाद उनका 7 से 10 दिनों में न सिर्फ एरियर आ गया और उनकी पेंशन भी रिवाइज हो गई। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इस पोर्टल पर उनकी रिक्वेस्ट, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो ग्रीवेंस है वो डालने को कहा और मैं बड़ा स्केप्टिकल था। मैंने बोला कि इस तरह से ऑनलाइन डालने से यदि काम हो जाए इस देश में तो फिर क्या ही बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो मैंने उनका मन रखने के लिए ऑनलाइन ये पोर्टल सर्च किया और वहां पर ये रिक्वेस्ट डाली। और यकीन मानिए दोस्तों, 15 से 20 दिनों के अंदर हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, क्लैरिफिकेशन मिल गए जिसके लिए हम काफी समय तक घूम रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जगह मेल भेज रहे थे और जिनका हमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला ही नहीं। सेटिस्फैक्ट्री छोड़िए, किसी भी प्रकार का जवाब ही नहीं मिला। लेकिन इस पोर्टल पर डालने के बाद कुछ ही दिनों में हमारा काम आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों, वो पोर्टल है सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे पेंशनर्स ग्रीवेंस पोर्टल तो उसका लिंक सबसे पहले आ जाएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है जिसमें इस देश के जो भी पेंशनर्स हैं, विशेषकर जो सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं या सरकारी विभागों से रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन के सारे प्रकार के रिड्रेसल यहां पर होते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अनदर वेबसाइट, मैं आपको एक्चुअल हमारा केस बताऊंगा और जिसमें हमने यहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा मेंशन किया था, हमारी प्रॉब्लम इसमें बताई थी और उसके 2 से 3 हफ्तों में उसका सॉल्यूशन भी हो गया। तो ये पोर्टल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से इसे बाद में ले सकते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं किस तरह से आपको अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर आने के बाद आपको कहीं लॉग इन नहीं करना है, ना अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। सिंपली आपको यहां पर जाना है लॉज योर ग्रीवेंस पे। लॉज योर ग्रीवेंस पर जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म में सबसे पहला है, आप अपना डिपार्टमेंट चुन सकते हैं, आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सभी की लिस्ट यहां पर दे रखी है। आप अपना करेक्ट डिपार्टमेंट यहां पर चुनिए, उसके बाद अपना ऑफिस, जिस पर्टिकुलर ऑफिस में आप काम करते थे उससे मेंशन करिए। इसके बाद अपनी पेंशन रिलेटेड डिटेल्स, अपने एड्रेस, अपनी सेल्फ डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप करेक्ट ईमेल आईडी और करेक्ट फ़ोन नंबर यदि मेंशन करेंगे तो आपके पास एसएमएस के थ्रू जो भी आपके कंप्लेन का स्टेटस है वो अपडेट आता रहेगा। इसके लास्ट में अब अपनी जो भी कंप्लेन है उसे डिटेल में मेंशन कर दीजिए। इसके साथ पीडीएफ अटैच करने का भी ऑप्शन है और लास्ट में कैप्चा डालकर आप अपनी ये कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं और ये कंप्लेन आप पेंशनर के बिहाफ पर भी सबमिट कर सकते हैं। ये कंप्लेन सबमिट करने के बाद आपके पास एक स्पेसिफिक कंप्लेन नंबर आएगा जो आपको अपने ईमेल पर नजर आएगा। वो जो नंबर है उसको आपको संभाल कर रखना है क्योंकि
आगे कंप्लेन का स्टेटस और उसके रिड्रेसल होने के बाद उससे जुड़े दस्तावेज उस कंप्लेन के नंबर के आधार पर ही आपको मिलेंगे। एक बार कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद आपको इंतजार करना है और जैसे ही आपके मेल पर उसके डिस्पोजल का स्टेटस आएगा या कुछ क्लैरिफिकेशन वो सॉर्ट करेंगे उसका आप रिप्लाई करिएगा। और फाइनली आप अपना जो कंप्लेन का स्टेटस है वो यहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, व्यू योर ग्रीवेंस स्टेटस। यदि आपके कंप्लेन पर कुछ समय तक काम नहीं हो रहा है तो यहां पर आप रिमाइंडर या क्लैरिफिकेशन भी उसका सीख कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कंप्लेन स्टेटस था उसका स्टेटस हम लोग चेक करते हैं व्यू योर ग्रीवेंस स्टेटस के द्वारा। व्यू योर ग्रीवेंस स्टेटस करने पर आपका जो कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने आपसे बोला था संभाल कर रखने के लिए वो डालना होगा और आपका यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। ये दोनों डिटेल्स मैंने डाली है और उसके बाद जो स्क्रीन खुलती है वो ये है। तो देखिएगा इसमें ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर आपको संभाल कर रखना है। नेम ऑफ कंप्लेनेंट यहां पर आ जाएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट आ जाएगी। तो देखिए 9 नवंबर को हमने ये कंप्लेन डाली थी, रिसीव्ड बाय पेंशनर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने आगे किसे फॉरवर्ड किया, डिवीजन ऑफ रेलवेज। देखिए दोस्तों ये पेंशनर्स डिपार्टमेंट ने ये कंप्लेन क्लेम करी और आगे रेलवे डिपार्टमेंट को भेजा और नीचे हमने जो कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किए थे उस पे एक्चुअली उन्होंने फोन करके हमारा केस भी समझने की कोशिश करी। उसके बाद 29 नवंबर 2018 को यानी कंप्लेन रिड्रेस करने के 20 दिनों के अंदर इसका डिस्पोजल भी हो गया और इसके जुड़े जो भी कागजात हैं वो उन्होंने यहाँ पर अटैचमेंट की फॉर्म में भेज दिए। तो आप ये देख सकते हैं ये वो लेटर्स हैं जो उन्होंने भेजे हैं और इसमें उन्होंने कंप्लीट इसका जो भी सॉल्यूशन है वो बताया और ये बताया कि किस कारण ये एरियर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन अपडेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है करंटली, इस कारण ये अपडेट नहीं हुआ है। और उन्होंने बोला है कि हमने आगे करेक्शन के लिए मुंबई ब्रांच में भेज दिया है। तो ये कंप्लीट डिटेल इस पेंशनर ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमें प्राप्त हो गई और इसका फटाफट से समाधान हो गया। तो इस देश में जो भी पेंशनर्स हैं स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सभी से अनुरोध है कि यदि आपके पेंशन में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एक बार इस पोर्टल पर अपनी दिक्कत रजिस्टर कराएं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं और बहुत अधिक चांसेस है कि उसका आपका तुरंत रिड्रेसल होगा। हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और अगर सॉल्व नहीं भी होगी तो उसमें एक आपको राह मिल जाएगी, आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसको यूज करते हुए आप नेक्स्ट लेवल की कार्यवाही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।